कंटिन्यू करते हैं अपना जो चैप्टर है ना, और आज खत्म कर देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये जो रिलीजन आया इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको जानने से पहले मैं ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पड़ा, किस किस फील्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ा, फिर जानेंगे कि वहाँ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो इसका इफेक्ट काफ़ी सारी जगहों पर पड़े, एक वायलेंस के फील्ड फील्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रिलीजियस लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा, सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा, कल्चरल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के लैंग्वेज लिटरेचर में इम्पैक्ट पड़ा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इफेक्ट पड़ा। इन सारे फील्ड्स में, इन सारी जगहों पर क्या क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। अब क्या क्या पड़ा ये ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ऊपर की दो लाइन पढ़ लेते हैं। बुद्धिज्म मेड अ लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर रिलीजन आर्ट एंड सोशल लाइफ इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसने लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब रहने वाला एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इंडियन कल्चर में, रिलीजन में, आर्ट में, सोशल लाइफ में ऐसे डाला है कि जो हमेशा रहेगा, जो रहेगा ही, है ना। एवर लास्टिंग नहीं लिखा लेकिन रहेगा, है ना, तो हमेशा ही रहेगा बेसिकली। अहिंसा पहला है वायलेंस के फील्ड में, कैसा है पहला, वायलेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा बिकेम अ वेपन अगेंस्ट द अगेंस्ट द इल्स ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द इल्स इन द सोसाइटी। इल्स मतलब यहाँ पर बुराइयाँ हैं, ठीक है। इल्स मतलब यहाँ बीमारी नहीं है, इल्स मतलब यहाँ पर बुराइयाँ हैं, ओके। जो अहिंसा का जो प्रिंसिपल था ना वो वेपन बन गया, वो वेपन बन गया, किसी का वेपन बन गया अगेंस्ट द इल्स ऑफ द इल्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जितनी बुराइयाँ थी, सोसाइटी में जितनी बुराइयाँ थी उन सभी की क्या बन गया, क्या बन गया, वेपन बन बन गया। आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एनिमल प्रोटेक्शन बिकेम अ न्यू कल्चर। बुद्धिज्म के आने के बाद एनिमल प्रोटेक्शन एक क्या बन गया, एक नया कल्चर बन गया। महात्मा गांधी लेटर यू जो अहिंसा इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी जी ने भी यही रूल यूज़ किया था, यही है ना, इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। उन्होंने भी अब अंग्रेज़ों से जितना भी, अंग्रेज़ों से जितना भी उनका प्रोटेस्ट किया, कभी भी उन्होंने वायलेंस की बात नहीं की, उन्होंने नॉन वायलेंस की हमेशा बात की। तो वो कहने गांधी ने भी यही रूल, यही प्रिंसिपल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फॉलो किया था। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि वेपन है अगेंस्ट इल इन द सोसाइटी, और एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में बात कर सकते हो, और महात्मा गांधी के बारे में, ये तीन पॉइंट याद रख सकते हो। ऐसा रटने वाला कुछ नहीं है इसमें से, है ना। इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस लाइफ, इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस लाइफ। बुद्धिज्म प्रोवाइडेड अ चैलेंज टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म प्रोवाइडेड अ चैलेंज टू हिंदुइज्म। देयर सून स्टार्टेड अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म, द कॉस्टली याजनास एंड सैक्रिफाइस एंड रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम वर डन अवे विद। वो कह रहा है आखिर इसको फॉलो किसने किया था, हिंदुओं ने तो फॉलो किया था सर। बुद्धिज्म नाम के कुछ बॉर्न थोड़ी थे, बुद्धिज्म तो वो जो लोगों ने अडॉप्ट किया, और जिन्होंने अडॉप्ट किया उनका ऑलरेडी कोई ना कोई तो रिलीजन होगा ना। तो वो कह रहे हैं हिंदू ऑलरेडी रिलीजन था, तो उन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। तो वो कह रहे हैं तो बुद्धिज्म लोगों ने चैलेंज दिया हिंदुज्म को। हाँ क्या चैलेंज दिया, मतलब काफ़ी सारी वो थी ना प्रॉब्लम, जैसे हिंदुओं में इतने सारे रिचुअल्स होते थे जिनका कोई लॉजिक नहीं होता था, बुद्धिज्म वो लॉजिक के साथ आए, जिनमें लॉजिक नहीं होता वो वाले रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म ही नहीं करते थे। इस तरह से उन्होंने हिंदुज्म को चैलेंज दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर सून
स्टार्ट इन रिफॉर्म, इसी वजह से वहाँ पे क्या एक जल्द ही क्या हो स्टार्ट हो गया है, रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गए है ना विद इन हिंदुइज्म। द कॉस्टली ज्यादा से महंगे महंगे यज्ञ होते थे ना, सेक्रीफाइसेस लोगों से कराते थे, रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें क्या कर दी गई, अब वे कर दी गई, सारी की सारी क्या कर दी गई, हटा दी गई, दूर कर दी गई हिंदुइज्म में से भी। किसकी वजह से? इससे बुद्धिज्म की वजह से। रिलीजियस लाइफ में इफेक्ट आया, ध्यान चैलेंज किया उन्होंने हिंदुइज्म को, कैसे कैसे किया कि रिफॉर्म्स लेकर आए। कॉस्टली याजना, सेक्रीफाइसेस, कास्ट सिस्टम को दूर कर दिया है ना। इन्फ्लुएंस ऑन सोशल लाइफ, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एंड एक्सपोज द वीकनेसेस इन आवर सोसाइटीज, द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु हैड बीन सब्जेक्टेड टू मेनी एट्रोसिटीज है ना, एट्रोसिटीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव देयर से इन मैटर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। एक और लिखो यहाँ पर, एक्सपोज का मैं लिखू अगर आपको नहीं पता है तो, पोस्टर का मीनिंग लिखो, एट्रोसिटीज लिखो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये लिखो, तो लिखो फोस्टर का मीनिंग लिखो पहले। फोस्टर का मतलब ग्रोथ, फोस्टर मतलब ग्रो करना, ग्रो करना ठीक है। एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, अत्याचार को आप बोल सकते हैं इसमें वायलेंस, एक्सपोज कब लिख सकते हो, एक्सपोज मतलब होता है किसी को एक्सपोज करना, मतलब किसी को सामने लेकर आना, अनकवर, अनकवर करना, कवर मतलब होता है ढकना, अनकवर मतलब होता है उस कवर को हटा देना, अनकवर जो अनकवर्ड है ना, अनकवर्ड सामने लाना, डिस्प्ले करना ही बोल सकते हो रफ लैंग्वेज में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बुद्धिज्म फॉस्टर्ड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, बुद्धिज्म लोगों ने एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो होता है ना कि दिमाग से काम लो, उस चीज को ग्रोथ दी, उस चीज की ग्रोथ पर उन्होंने फोकस किया, एंड एक्सपोज द वीकनेसेस इन आवर सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी वीकनेसेस थे, उन सबको एक्सपोज किया, उन सबको क्या किया अनकवर किया, उन सबके सबके ऊपर पर्दा उठाया और हमारे सामने लेकर आया कि हमारी सोसाइटी में ये वीकनेसेस हैं। द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैड बीन सब्जेक्टेड टू मेनी एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज हमारे सोसाइटी में इतने वीकर सेक्शन थे जो किसी ना किसी गुलाम रहे ही हैं है ना, और अत्याचार उन पर हुआ है, गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक चांस मिला टू हैव देयर से, उनको अपनी बात कहने का, उनको अपनी बात रखने का, अपॉर्चुनिटी टू हैव देयर से, हैव देयर से मतलब अपनी बात रखना, हैव देयर से मतलब क्या अपनी बात रखना, उनको अपनी बात रखने का अपना है ना, हिंदी मैटर पॉलिटिकल सोशल लाइफ, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में उनको अपनी बात रखने का मौका मिला। जरा 2 मिनट इसको रीड करो, मैं अभी आता हूँ ना, 2 मिनट।